मेरा ये कहना है कि सभी सम्मानित धर्म गुरुगण और समाज से भी आपके साथ उपस्थित है, तो उनके साथ बैठक करके जाने के पहले अभी उनके स्थान तय हो जाएं कि कौन किस वैक्सीन के सेंटर पर जाएगा। तो आज से ही उनको ध्यान रहेगा कि उनको किस वैक्सीनेशन सेंटर पर उनको पहुंचना है, सारी जानकारियां अभी दे देंगे तो चीज़ें उनके मन में स्पष्ट रहेगी कि उनको कहाँ जाना है। दूसरी चीज, कल अगर प्रेस से बात कर सकें, वाइट दे सकें, बात कर सकें, तो आज भी यहाँ से निकल के भी दे सकते हैं, धर्मगुरुगण भी दे सकते हैं और समाज सेवी भी दे सकते हैं। जो वैक्सीन के संबंध में ही होगी कि आप वैक्सीन जरूर लगवाइए, वही सुरक्षा चक्र है। तो एक एक बाइट हो जाएगी और सोशल मीडिया में आ जाएगा तो उससे भी वातावरण बढ़ेगा। तीसरी चीज ये है कि कई बार वैक्सीनेशन के बाद किसी किसी को हल्का बुखार आता है। आपको ध्यान होगा जब पहले चेचक के खिलाफ टीका लगते थे, जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा उनको तो पता होगा कि 3-3 नस्तर लगते थे, अभी भी हाथ पे उनके निशान है, तो उस समय भी बुखार आता था। तो ये बहुत छोटा सा साइड इफेक्ट होता है किसी किसी को, वो भी सबको नहीं आता, किसी किसी को हल्का बुखार आता है। तो थोड़ा सा पहले से बता के रखेंगे, इससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा साइड इफेक्ट कभी समझ में नहीं आया, लेकिन वहाँ भी आधा घंटा बैठने की व्यवस्था है वैक्सीनेशन सेंटर पर, उसको ठीक से करें। और कमिश्नर्स को जो बात कही है वैकेंसी भरने की, हम थर्ड लहर की तैयारी लड़ने की पूरी रखें, वैक्सीनेशन से लेकर बाकी चीज़ों की, जो उसको भी भरें, उसके बारे में अन्यथा भी कभी बात करनी होगी तो कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आपको कष्ट दिया है, लेकिन जाने के पहले कलेक्टर ढंग से चर्चा करके बैठक करके तय कर लें कौन कहाँ जाएंगे और हर काम कैसे होगा, उसके बारे में जानकारी भी दें और आपकी अपील कैसे जाएगी उसका इंतजाम भी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से हमारे ये अभी महाभियान सफल होगा और हम अपनी जनता को सुरक्षा चक्र दे के तीसरी लहर से बचाने में सफल होंगे। आप सब पधारे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबके सहयोग से ही हम इस भयानक महामारी से लड़के जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।